तो वेलकम टू आर टू एक्स। तो मैं आज आपके लिए लाया हूँ ओक्सियन ओएस रोम का अपडेट जो रियल मी टू प्रो यूज़र्स के लिए है। जैसा मैंने प्रॉमिस किया था अपनी पिछली वीडियो में कि लाऊंगा आपके लिए ओक्सियन ओएस रोम का अपडेट ऑन एम, ठीक है। और ये रोम रियल है, कोई थीम या लॉन्चर नहीं है। और इस रोम को इंस्टॉल करने के लिए आपको चाहिए अनलॉक्ड बूट लोडर और जिसमें कस्टम रिकवरी इंस्टॉल हो और जिसमें कलर ओएस 6 का अपडेट चल रहा हो। यदि आपका फ़ोन अनलॉक नहीं है तो नीचे एक डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक दे दी है, वहाँ से आप अनलॉक कर लेना और साथ में अपने फ़ोन में कस्टम रिकवरी भी इंस्टॉल कर लेना। और इस रोम में बग्स क्या है? इस रोम में बग्स फिंगरप्रिंट का है, जो इतना आई थिंक मेरे लिए तो ज़रूरी नहीं, अगर आपके लिए ज़रूरी हो तो आप मत करना। लेकिन ये रोम आपको परफॉर्मेंस और पावर सेविंग में बिल्कुल निराश नहीं करेगी, इतना तो मैं कह सकता हूँ अपने इस रोम को चलाने के बाद और जो मैंने यूज़ किया इतने दिनों तक। तो चलिए मैं आपको उसका तरीका बता देता हूँ, उसको इंस्टॉल कैसे किया जाता है। और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज़ कर दें उसको, और साथ में मेरी वीडियो को भी लाइक कर दें, क्योंकि ये सब चीज़ें मैं आप लोगों के लिए करता हूँ तो आपको ये ज़रूर करना चाहिए, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो आपको ये तीन फाइल डाउनलोड कर लेना है मेरी HD पोर्ट से, एक है रोम और सेकेंड है माजिस और थर्ड है OS एप्स। तो अब मैं अपने फ़ोन को करूँगा रिकवरी में रिबूट। तो मैं पहले पावर ऑफ कर दूँगा अपने फ़ोन को, और रिबूट कैसे करना है आपको पता ही होगा, वॉल्यूम डाउन एंड पावर की से। तो ये दोनों को बटन को आपको होल्ड करना है ताकि आपका फ़ोन रिकवरी में बूट हो जाए। पहले इसके पहले मैं कुछ भी इंस्टॉल करने के लिए आपको ये बोलूँगा कि आप पूरे इंटरनल का अपने बैकअप ले लेना, क्योंकि ये आपका इंटरनल फॉर्मेट कर देगा, यानी आपकी फ़ोन मेमोरी है वो फॉर्मेट हो जाएगी। तो अपने इंटरनल मेमोरी का पूरा बैकअप आप कंप्यूटर या किसी अदर स्टोरेज पे कर लेना, यानी मेमोरी कार्ड पे, ठीक है। तो पहले अपना इंटरनल का पूरा बैकअप कर लेना, तब ये सारी चीज़ें अटेम्प्ट करना। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ इस बात को ताकि आप उस चीज़ को मिस ना कर पाएँ, ठीक है। तो मैं अब रिकवरी बूट होगा मेरा फ़ोन। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले अपने फ़ोन का पूरा बैकअप ले लूँगा मेमोरी कार्ड पे, क्योंकि मेमोरी कार्ड पे मेरा फॉर्मेट नहीं होगा और इंटरनल पर मेरा फॉर्मेट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ मैं सिस्टम बैंडर का बैकअप क्रिएट कर लूँगा, किस पे? मेमोरी कार्ड पे, ठीक है। बैकअप लेना बहुत ज़रूरी रहता है दोस्तों, क्योंकि कुछ भी हो दिक्कत आप बाद में रिश्यो तो कर सकते हो अपने आपको सेव करने के लिए, ठीक है। तो ये ज़रूर करना। मैंने बैकअप नहीं लिया क्योंकि मैंने बैकअप ऑलरेडी क्रिएट कर लिया था। अब ये रोम को इंस्टॉल करने का तरीका है, तो मैं अब सबसे पहले वाइप में जाऊँगा, सिस्टम पे क्लिक करूँगा, डाल आर्ट पे केस क्लिक करूँगा, वेंडर पे क्लिक करूँगा, डेटा पे क्लिक करूँगा, केस पे और क्लिक कर दूँगा। इनको सबको सेलेक्ट करके मुझे फॉर्मेट इनको कर देना है ताकि ये फॉर्मेट हो जाए। फिर मैं बैक पे क्लिक करूँगा। इसके बाद अब मैं जाऊँगा इंस्टॉल पे, जहाँ मैंने रोम डाउनलोड की थी वहाँ उसको मैं लोकेट करूँगा ताकि मैं उसको वहाँ से इंस्टॉल कर पाऊँ। तो ये मेरी OS रिमिक्स लिखा हुआ है, तो मैं इसको इंस्टॉल आपको करना है, स्वाइप करके उसको आपको फ्लैश कर देना है अपने फ़ोन पे। इसमें कम से कम 5 या 10 मिनट आपको लग जाएंगे, तो थोड़ा आपको शांति बनाए रखना है जब तक ये फ्लैश हो रही है। और मेरे इस चैनल को आपको कर देना है सब्सक्राइब, यदि आपने नहीं किया हो, जैसा इस पर लिखा है कि अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो ये बूट नहीं होगी, ठीक है भाई। तो थोड़ा इंतज़ार करना है आपको। तो ये देख रहे हैं आप, ये मेरा कंप्लीट हो चुका है। मैं बैक पर क्लिक करूँगा अपने, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ वैसे आपको पूरा करते आना, आपकी रोम बिल्कुल परफेक्टली काम करेगी, और आपने अगर नहीं किया तो आपकी नहीं काम करेगी, ठीक है। तो अब मैं रिबूट सिस्टम पे क्लिक कर दूँगा, स्वाइप टू रिबूट। थोड़ा इंतज़ार करना है बूट होने तक का। तो इसका जो बूट एनिमेशन है, अब आप देखोगे कि यहाँ आपकी एक रोम आपकी जो रोम है ये अटक जाएगी यहाँ पर, यानी ब्लैक स्क्रीन आ जाएगा या मेन्यू आ जाएगा, तो वो यहाँ पे इंटरनल को फॉर्मेट कर रही होगी इस टाइम पे। तो अभी आपको देखने को मिल जाएगा आगे थोड़ा सा। तो इस पर आपको करना है क्या है, बस आपको जो तीनों बटन है ना आपको होल्ड कर देना है, यानी वॉल्यूम अप, वॉल्यूम डाउन एंड पावर की को, तीनों को होल्ड कर देना है ताकि आपको फिर से बूट हो जाए। देख सकते हैं आप, ये ब्लैक स्क्रीन आ चुकी है। अब मैं क्या करूँगा, वॉल्यूम डाउन एंड वॉल्यूम अप प्लस पावर की को, तीनों को होल्ड कर दूँगा ताकि ये फोर्स रिबूट हो। इसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो ये फोर्स रिबूट के लिए मैंने इन तीनों बटन को होल्ड किया ताकि ये फास्ट बूट में चले जाए। देख सकते हैं फास्ट बूट मोड पे आ गया है, यहाँ पे स्टार्ट लिखा हुआ है, तो मैं पावर की से सेलेक्ट करके इसको स्टार्ट कर दूंगा। बस थोड़ा सा आपको इंतजार करना है, अपने फ़ोन को बूट होने देना है। जी, इसका प्यारा सा बूट एनिमेशन आ चुका है।
जो मैंने अपने साइड से डाल दिया ताकि थोड़ा और अच्छा लगे। हाँ, अब आपको क्या करना है, जो छोटे छोटे से माइनर्स बग्स हैं वो आप खुद इजीली फिक्स कर सकते हो, बस आपको फॉलो करते जाना है जैसे मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैं पहले अलाउ कर दूँगा और इसका जो सेटअप विजेट रहता है तो उसको भी मैं फिक्स कर दूँगा। यहाँ से आपको पहले आना है सेटिंग्स पे, ठीक है, और नीचे अबाउट फोन पे जाना है, इस पर क्लिक करना है आपको। यहाँ बिल्ड नंबर लिखा हुआ है उस पर आपको टैप करना है 7 बार, जब तक ये यू आर डेवलपर मोड ना कह दें। इसके बाद आपको आना है सिस्टम पे, और यहाँ से नीचे आना है आपको डेवलपर ऑप्शन पे, और यहाँ से आपको एक चीज़ और ऑन कर देना है, जो जो मैं बता रहा हूँ आप वो कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके बाद इसको मैं फाइल ट्रांसफर में सेलेक्ट कर दूंगा ताकि ये फाइल ट्रांसफर मेरी कोई दिक्कत ना करे इन फ्यूचर। और नीचे मैं जाऊंगा, ये एनिमेशन अपने 0.5 पे सेट कर दूंगा, जी ज़रूर करना आप, इससे थोड़ा स्मूथ हो जाएगा आपका सिस्टम। वैसे ऑलरेडी मैंने बहुत ऑप्टिमाइज़ कर दिया तो ऐसे कुछ आपको दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको ब्राइटनेस लो देखने को मिल जाएगी, तो उसके लिए भी फिक्स है, तो मैं आपको बताते जा रहा हूँ, बस आपको फॉलो करते जाना है। स्टोरेज पे क्लिक करना है। अब एक जिप और है, जो ओओएस एप्स की जिप्स आपने जो डाउनलोड करी थी आपको एक्सट्रैक्ट कर लेनी है, ठीक है। ये लिखा हुआ है, जो 3 फाइल आपने डाउनलोड करी थी ये सेकेंड फाइल है अपनी, तो इसमें ब्राइटनेस फिक्स का और जो बाकी फिक्स हैं इसमें दिए हुए हैं। तो ये तीनों ऐप्स आपको इंस्टॉल करे रखना, और कभी इन फ्यूचर आपको उनको अनइंस्टॉल नहीं करना है क्योंकि वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं पहले प्ले सर्विस इंस्टॉल करूँगा ताकि मेरी गूगल का जो रहता है वो लॉगिन हो पाए, ठीक है। तो इसको मैं इंस्टॉल कर लूँगा सिंपली। डन कर देना है। इसके बाद मैं करूँगा टर्मैक्स को इंस्टॉल, ठीक है, जे उसके लिए काम आएगा, ब्राइटनेस फिक्स करने के लिए काम आएगा। इसके बाद आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं टर्मैक्स को, ठीक है। कैमरा पेज को आपको अनइंस्टॉल नहीं करना है, इससे आपका फ्रंट कैमरा वर्क करेगा, इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। डन कर देना है आपको। इसके बाद आपको क्या करना है, टर्मक्स में जाना है। अब मैं आपको ब्राइटनेस फिक्स का तरीका बता रहा हूँ। तो पहले आपको ये TXT फाइल आपको दिख जाएगी जिप में जो है, इसको आपको HTML व्यूअर पर क्लिक करना है ताकि आपको उसका कोड देखने को मिल जाए, जो जिससे आपका ब्राइटनेस फिक्स होता है। तो इसको आप सेलेक्ट ऑल करके कॉपी कर देना है आपको पूरा, ठीक है, कॉपी कर लेना इसको आपको। अब इसके बाद आपको आना है टर्मक्स पे जो आपने इंस्टॉल किया था इन मेन्यू, ठीक है। आपको ये सारे इंटरनेट चालू करके प्ले सर्विसेज वगैरह आप अपडेट कर लेना, बाकी इसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगी, आप पूरा जैसा मैं आपको बता रहा हूँ इंस्टॉल आप फॉलो करते आएंगे तो, ठीक है। टर्मक्स में आपको जाना है और यहाँ पे आपको SU लिखना है ताकि आप सुपर यूज़र की परमिशन ग्रांट करा सकें। तो मैं पहले टाइप करूँगा SU और इंटर कर दूँगा, इससे मेरी परमिशन आ जाएगी तो मैं इसको ग्रांट कर दूँगा, ठीक है। और इसके बाद मैं यहाँ पे इंटर करूँगा, पेस्ट करूँगा जो मैंने कोड कॉपी किया था ब्राइटनेस के लिए, फिर इसके बाद मैं इसको एंटर कर दूँगा सिंपली। इसके बाद आपको क्या करना है, रिबूट करना है अपने फ़ोन को, फिर आप देख पाओगे आपकी थोड़ी डिम लाइट थी वो पूरी फिक्स हो जाएगी अच्छे तरीके से, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं मिलेगी इन फ्यूचर, ठीक है। आप देख सकते हैं कि ब्राइटनेस मेरी पूरी फिक्स हो चुकी है, यानी मैक्स ब्राइटनेस आ चुकी है, तो आप कोई दिक्कत नहीं होगी आपको ब्राइटनेस के साथ, ठीक है। अब आपको करना है सेटिंग्स में जाना है, डिस्प्ले भी क्लिक करना है, नोच डिस्प्ले आप जो देख रहे हैं, आप नोच का जो दिक्कत आ रहा है मतलब ऐसा, तो उसको आपको हाइड द नोच एरिया पर क्लिक कर देंगे तो वो आपकी नोच नहीं आएगी फिर, ठीक है। उसको बैक कर देना क्लिक पे। और अब मैं कैमरे का फिक्स बता रहा हूँ, कैमरे का फिक्स कैसे करना है, जो आपको कैमरा आपने इंस्टॉल किया था इसको आपको जैसा, अब फ्रंट कैमरा आप देखेंगे कि इस बात कई कई ऐप्स में नहीं चलेगा लेकिन इसी ऐप्स में चलेगा, तो उसका फ्रंट कैमरा आप जब ओपन करेंगे तो इसके बाद जो GK में आपका GK में फ्रंट कैमरा चलेगा और जितने भी अदर्स कैमरा है वो सारे इसका चलने लग जाएंगे, भलाई आप इसको बंद कर दो उसके बाद तब भी आपके चलते रहेंगे, लेकिन आपको इसका अनइंस्टॉल नहीं करना है, ठीक है। इसका सारे कैमरा आपके चलने लग जाएंगे, तो यही थे इसके सारे फिक्स, ठीक है। और यदि आपका जैसे मान लो अगर कुछ एरर आता है तो प्लीज़ कमेंट डाउन कर देना अपनी प्रॉब्लम ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूं। और यदि आपको मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूं तो आप ये मत समझा करो कि भाई यार रिप्लाई नहीं किया बंदा, वो केयर नहीं करता है, यार मैं भी थोड़ा बिजी रहता हूँ और कभी कभी मैं थोड़ा बीमारी पड़ जाता हूँ, इस कारण मैं आपका रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ इस टाइम पे।
तो आप इस बात को थोड़ा समझा करो एज अ ह्यूमन बींग, ठीक है। और हम एम करते हैं इस वीडियो का 1K लाइक्स और वीडियो का, सॉरी चैनल का 5K, ठीक है। तो आपको 5K सब्सक्राइबर कर देना है ताकि मैं इस पर अपडेट और प्रोवाइड करूँ। यदि आपको चाहिए तो आप कर देना भाई इतने, ठीक है। 1K लाइक्स एंड 5K सब्सक्राइबर, ठीक है। तो बस मिलता हूँ आपसे बाद में। आज के लिए यही वीडियो यहीं ख़त्म होता है। तो ये चीज़ मैंने बहुत मेहनत से बनाई, तो बस करना मत भूलना, ठीक है। मिलते हैं आपसे बाद में। सी यू लेटर, टेक केयर, स्टे हैप्पी ऑलवेज। चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर नहीं किया हो, वीडियो को भी लाइक कर देना और बेल आइकॉन को भी हिट कर देना, और कमेंट डाउन करके बताना क्या दिक्कत है और आपको ये क्रोम कैसी लगी, ये ज़रूर बताना। क्योंकि भाई मुझे ऐड करना पड़ता है अपने एचडी पोस्ट पे, ठीक है। और मुझे मालूम पता चलना चाहिए कि आपको ये कितनी पसंद आई है, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे बाद में। टेक केयर।